पतंजलि विज्ञापन केस में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में करीब डेढ़ घंटे सुनवाई हुई। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्ला की बेंच में रामदेव और बालकृष्ण पांचवी बार पेश हुए। पतंजलि की ओर से मुकुल रोहतगी और बलबीर सिंह ने पैरवी की। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से ध्रुव मेहता पेश हुए। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA भी आज की सुनवाई में शामिल हुआ। सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने पतंजलि के वकील को ओरिजिनल माफीनामा न्यूज़पेपर्स की कॉपी की जगह ई फाइलिंग करने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन गैप है और कोर्ट ने इस पर एतराज जताया और कहा कि ये जानबूझ कर किया जा रहा है। पतंजलि के वकील ज्यादा स्मार्ट हैं और पूरा न्यूज़पेपर फाइल किया जाना था। कोर्ट ने पतंजलि पर समय पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर उत्तराखंड सरकार को भी फटकार।